पहली मर्तबा प्लेन पावर लूम के लिए एक स्टडी ग्रुप बना और पावर लूम सेंटर्स और ख़ास तौर से मालेगांव, भिवंडी, इच्छल, करंजी, सोलापुर, यहाँ के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि 13 दिसंबर को रईस शेख, जो समाजवादी पार्टी के MLA हैं, नागपुर अजलास में उन्होंने सवाल रखा और उस पर एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने मेरी मालूमात में इतनी जल्दी रिपोर्ट सरकार को सौंपी कल 5 फरवरी को शाम में। मैं कमेटी के तमाम रुकनों, अध्यक्ष सभी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस मर्तबा पावर लूम के जो मसाइल हैं उनको सीरियसली लिया और उस पर सीरियसली काम हुआ। 13 दिसंबर को जब लक्ष्य विधि लगी, लक्ष्य विधि एक ऐसा सवाल है, वो लोकल बॉडीज़ हो, पार्लियामेंट हो या असम्बली हो, कोई भी मेंबर अपना लक्ष्य विधि लगाता है और अगर उसे लिया जाता है असम्बली अजलास में तो उस पर बोलने का इख्तियार सभी को होता है। अगर कॉरपोरेशन में किसी और पार्टी के मेंबर ने कोई सवाल लगाया है तो उस पर ज़रूरी नहीं है कि दूसरी पार्टी के या दूसरे लोगों उस पर ना बोले। अगर हमें इंटरेस्ट है, हमें दिलचस्पी है तो हम ज़रूर उस पर बात रखेंगे, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब इतने अहम सवाल पर लक्ष्य विधि लगी उस वक्त हमारे शहर के नुमाइंदे असम्बली हॉल में हाजिर नहीं हुए। इससे बुनकरों और ख़ास तौर से पावर लूम पर काम काज करने वाले लोगों में ये बात की तस्वीर थी कि जो बुनकर नुमाइंदा बोलकर हमने भेजा वो उस दिन हाजिर नहीं थे। इसी को सामने रखते हुए हमने रईस शेख से गुजारिश की कि आप भिवंडी के MLA हो मगर मालेगांव शहर की भी नुमाइंदगी आप करिए, और उन्होंने हमारी बात कबूल की और 3 जनवरी को मालेगांव शहर में वो आए। एक पावर लूम परिषद हुई और उसमें मालेगांव शहर के जो बुनकर हजरात थे, छोटे बड़े तमाम ही बुनकर उसमें हाजिर थे और अच्छे ढंग से पावर लूम के मसाइल पर वहाँ बातचीत हुई। और वो बातचीत का नतीजा था कि जब मैं दोबारा मुंबई पहुंचा रईस शेख साहब के पास तो उन्होंने एक बात बोली कि मैं मालेगांव शहर में पावर लूम परिषद के बाद मुझे इतनी मालूमात मिली जो मेरे लिए रिपोर्ट बनाने के लिए बड़ी अहम रोल अदा कर रही है। तो वो उन्होंने उस वक्त भी मुझे कहा, कुछ बुनकरों से फ़ोन पर भी बातचीत की और मालेगांव शहर शहरियान का शुक्रिया अदा किया। और ख़ास बात ये थी कि शान हिंद पावर लूम परिषद से पहले बुनकरों के घर गई, उनसे जब बातचीत की तो कई बुनकरों ने उनके मसाइल जब उनके पास रखे तो जो रिपोर्ट बनी उसमें किसी सियासी पार्टी का नाम है तो वो शान हिंद निहाल अहमद का नाम है। ये भी मालेगांव शहर के लिए खुशी की बात है कि एक सियासी पार्टी में काम काज करने वाली जो बुनकर और पावर लूम के मसाइल में दिलचस्पी ले रही है उन्होंने अपनी बात रखी। तो शान हिंद ने वो बात वहाँ पर रखी है, जो भी मशवरे दिए वो शान हिंद के मशवरे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। वो मालेगांव शहर के तमाम पावर लूम पर काम करने वाले ख़ास तौर से बुनकर लोगों के मसले इसने सिर्फ रखा है वहाँ पर, ये उन सब की आवाज़ थी जो शान हिंद के ज़रिए रईस शेख तक गई और रईस शेख ने अपनी रिपोर्ट में उस बात को तस्लीम किया और उसे माना और उसे अच्छे ढंग से बनाया। उसमें भिवंडी, इच्छल, करंजी, सोलापुर और भी कई जगह के लोगों के मशवरे उसमें आए, मगर सियासी लीडर का इनका ही एक मशवरा जिसमें लिया गया। ये बड़ी खुशी की बात है मालेगांव शहरियान के लिए। और रईस शेख साहब ने मालेगांव शहर के कई मसाइल जो मालेगांव के नाम से उन्होंने रिपोर्ट में दिए कि मालेगांव में ये हो सकता है, मालेगांव में ऐसे मामले हैं, मालेगांव में ये मसाइल है, अच्छे ढंग से उन्होंने वो बात रखी। अब इस पर जो है टेक्निकल और वो जो रिपोर्ट है वो शान हिंद और जाहिद मौलाना ने उसकी स्टडी की है। शान हिंद वो रिपोर्ट जो है उसमें क्या क्या बातें हैं वो डिटेल में आपके सामने रखेंगे। इजलास हो रहा था उसमें रईस शेख साहब भिवंडी के MLA समाजवादी पार्टी के, उन्होंने लक्ष्य विधि लगाई थी जिसमें प्लेन पावर लूम के ताल्लुक से उन्होंने कहा था जो टेक्सटाइल पॉलिसी 2023 से 2028 की बन रही है उसमें प्लेन पावर लूम की बारे में कोई नुमाया स्कीम नहीं है, जबकि महाराष्ट्र में
प्लेन पावर लूम से, यानी टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में ऐसा उन्होंने डिटेल में कहा था कि 12,70,000 प्लेन पावर लूम है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 30,00,000 लोग जो है रोज़गार करते हैं, जो खेती के बाद, काश्तकारी के बाद सबसे बड़ा रोज़गार का ज़रिया महाराष्ट्र में जो है वो टेक्सटाइल और प्लेन पावर लूम का है। तो उन्होंने इस बात अपनी लक्ष्यवेदी लगाकर गवर्नमेंट को बताया कि पॉलिसी जो बनाई गई है उसमें प्लेन पावर लूम के ताल्लुक से कोई खातिर ख्वाह बात नहीं। उसके बाद उस पर अमल हुआ 19 तारीख को और एक स्टडी ग्रुप बनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ जगह के जहाँ पावर लूम चलते थे वहाँ के नुमाइंदों को शामिल किया गया। हमारे लिए बदकिस्मती की बात थी कि माजी में देखे हुए रिकॉर्ड के मुताबिक मालेगांव शहर के नुमाइंदगी कमज़ोर थी, इसलिए जो स्टडी ग्रुप था उसमें मालेगांव शहर की नुमाइंदगी नहीं हुई, जिसका मालेगांव शहर के लोगों को बहुत अफसोस था। लेकिन जब भिवंडी के MLA रईस शेख का नाम आया तो हम लोगों ने ये बात को सोचा कि उनको मालेगांव बुलाया जाए और जो पावर लूम से मुंसलिक लोग हैं उनसे उनका राबता किया जाए और वो अपनी तकालीफ बताएं। तो एक पावर लूम परिषद का इनका 3 जनवरी को मालेगांव शहर में हुआ, समाजवादी पार्टी के बैनर तले, जिसमें मालेगांव शहर के मुख्तलिफ छोटे बड़े हर तरह के बुनकरों ने हिस्सा लिया और अपनी तकलीफ़ उनको तहरीरी तौर पर भी और ज़बानी भी बताया, यहाँ तक कि वो MIDC में गए, उन्होंने वहाँ जाके वहाँ के हालात देखे, स्पेनिंग मिल गए, उनकी तकलीफ़ उन्होंने सुना। और ये सारी तकलीफ़ सुनने के बाद एक खुद रईस शेख साहब ने एक प्रस्ताव बनाया था जो कमेटी को उन्होंने रखा था, जिसमें खुशी की बात ये है कि मालेगांव शहर के सारे मसाइल जो पावर लूम परिषद में बताए गए थे वो सब मसाइल इसमें उन्होंने लिखा, ताकि कमेटी को जब हुकूमत के सामने रिपोर्ट देना हो तो आसानी हो। ये बात जब अहवान में असम्बली में रईस शेख साहब प्लेन पावर लूम के ताल्लुक से कर रहे थे तो मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल ने खड़े होकर कहा था कि ये बात सही है कि जितनी स्टडी रईस शेख साहब की पावर लूम इंडस्ट्री के ताल्लुक से है इतनी स्टडी उनकी खुद की मिनिस्टर की नहीं है। और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हमको ये पता नहीं था कि प्लेन पावर लूम के लिए हमने स्कीम में क्या कमी छोड़ी है, लेकिन इस पर एक स्टडी ग्रुप बनेगा और वो स्टडी ग्रुप बना जिसको 30 दिन का वक्त दिया गया था। जहाँ मालेगांव शहर में रईस शेख साहब यहाँ आए उन्होंने सिर्फ सवाल पूछ कर अपना काम ख़त्म नहीं किया, उन्होंने सवाल पूछा, उसके बाद जगह जगह जहाँ पावर लूम सेंटर्स थे, चाहे वो मालेगांव हो, भिवंडी हो, नागपुर हो, इचलकरंजी हो, मुख्तलिफ जगह पर वो गए, शोलापुर हो, वहाँ गए और उन्होंने वहाँ जाकर फील्ड पर देखा कि क्या क्या तकलीफ़ बुनकरों को आती है, उसका क्या हल हो सकता है। उन्होंने अपनी 24 जनवरी को रईस शेख साहब ने अपना खुद का एक प्रस्ताव बनाया और उन्होंने बताया कि वो किन किन लोगों से मिले। और मैंने जब जो स्टडी ग्रुप का जो प्रस्ताव है जो हुकूमत के सामने कमेटी ने रखा उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकात है जो हमने स्टडी करके देखा वो रईस शेख साहब के ही हैं, क्योंकि उनकी स्टडी इतनी अच्छी थी कि उसको स्टडी ग्रुप को मानना पड़ा, जिसमें अहम अहम बातें जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा परेशान जो रहते हैं, जो हमने मालेगांव में पावर लूम परिषद में कहा था जो कैपिंग होती है पावर की 27 HP की, तो वो 27 HP के ताल्लुक से ये कहा था कि 27 HP अब जो है वो काफ़ी नहीं है एक शेड के लिए, क्योंकि अब 24-27 लूम में जो है कफालत नहीं हो पाती, तो लोग बड़ा प्रोजेक्ट डालते हैं, तो उसमें जो 27 HP से ऊपर सब्सिडी का ज़्यादा सब्सिडी मिले उसके बारे में उन्होंने ये पहला लिखा है जो कमेटी का है कि भाई 27 HP से 201 HP तक गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था अपने बजट में कि इनको 75 पैसे की छूट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, लेकिन हुकूमत ने आज तक दिया नहीं। पहला उन्होंने ये बताया कि उसकी छूट को बढ़ा के 1 रुपया किया जाए प्रति यूनिट सब्सिडी, और 27 HP से ऊपर वालों के लिए वो फैसिलिटी दी जाए। और एक बात थी जो मई दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में जो लोग रजिस्ट्रेशन करने में भी सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन करने में देरी हो गई थी उसकी वजह से लोगों के बिल
बहुत ज़्यादा आए थे और बिल पर इंटरेस्ट और फाइन आया था, जिसकी वजह से थक बाकी मालेगांव शहर के बहुत सारे सार्फिन उसके लिए परेशान थे। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जिनके जनवरी के जनवरी 2022 और दिसंबर 2021 का थक बिल बाकी है, वो उनके सहूलत के साथ जो सब्सिडी मिलना चाहिए थी उसके साथ वो बिल बनाया जाए और जो फाइन लगा था और जो इंटरेस्ट लगा था उसको ख़त्म किया जाए। मालेगांव शहर परेशान रहता है कि अलग अलग लोगों के नाम से कारखाने में कई पार्टी सिस्टम होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम, उसके लिए अलग अलग मीटर एक शेड में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं देता है। उनका ये बोलना है कि एक शेड में एक ही लूम रहा, उसमें पार्टीशन करना पड़ता था, लेकिन इस कमेटी ने यह ऐलान किया है कि अगर एक ही शेड में कई पार्टनर्स हैं तो उनको अलग अलग मीटर देने की इजाज़त दी जाए। ये बहुत खुशी की बात है। दूसरी एक बात यह है कि जो सोलार पावर बनती है, सोलार पावर वो अपने यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो पावर मिलती है उससे सस्ती होती है, लेकिन गवर्नमेंट का उसमें ऐसा है कि सोलार पावर खरीदने का इख्तियार सिर्फ पावर कंपनीज को है, यानी जो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की हो। तो इस प्रस्ताव में एक अहम बात ऐसी है कि अगर कारखानेदार या जो टेक्सटाइल फैक्ट्री चलाते हैं उनको ये इख्तियार दिया जाए कि वो सोलार पावर यूनिट से पावर खरीद सके सस्ते दामों में। अगर ये इजाज़त मिल गई तो जो हमको पावर हम लेते हैं कंपनी से उससे आधे दामों में हम सोलार पावर ले पाएंगे। उसके बाद उन्होंने एक बात ये कही कि सोलार पर जो प्रकल्प लगाने के लिए बहुत खर्च होता है। एक अहम बात ये थी कि सोलार अभी जो ये पूरी प्रस्ताव पढ़ने के बाद हम लोगों को ये समझ में आया कि आगे जाके हुकूमत नए प्रोजेक्ट के लिए, टेक्सटाइल प्रोजेक्ट के लिए सोलार पावर कंपलसरी कर देगी। जो सोलार प्रोजेक्ट डालेगा उसी को लूम का प्रोजेक्ट लगाने का इख्तियार होगा। ये पूरा पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आया। इसमें एक मांग रईस शेख साहब ने की थी कि अगर जो प्लेन पावर लूम का जो बुनकर है वो बहुत पैसे वाला नहीं होता, उनके पास जो असासा होता है बड़ी कीमत जो है वो खर्च कर देता है ज़मीन और शेड बनाने में, उसके बाद उसको लूम लाना होता है, तो ये बंदिश ना रहे कि सोलार पावर प्रोजेक्ट लगाना ही है, ये मर्ज़ी पर हो। अगर वो चाहे बुनकर तो वो सोलार पावर लगाए, प्रोजेक्ट लगाए, या उसको इख्तियार हो कि वो कंपनी से बिजली ले पाए। अगर वो ले रहा है सोलार पावर लगा रहा है तो उसको 50% गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिले। ये एक अहम बात थी उसमें, और बहुत सारी इसमें अहम बात है। एक बात ये थी कि नए बीज कनेक्शन जो है उन्होंने मालेगांव को मेंशन करके बताया है कि 400 से ज़ायद पेंडिंग एप्लीकेशंस है मालेगांव में, जो अभी तक कंपनी उनको पावर सप्लाई देने में कामयाब नहीं हुई है। तो मालेगांव सिर्फ मालेगांव के नाम से उन्होंने मेंशन किया है, जो रईस शेख साहब के प्रस्ताव में था कि इनको फौरन 400 लोगों को जितने भी पेंडिंग हैं उनको कनेक्शन फौरन दिया जाए। एक मांग हम लोगों ने पावर परिषद में ये की, पावर लूम परिषद में की थी कि मालेगांव शहर में जो अब नए शेड लग रहे हैं वो शेड में बुनियादी सहूलत की कमी है। जो मालेगांव शहर के दरमियान में इलाका था वो ट्रैफिक की वजह से और असासा ज़्यादा पैसे का होने की वजह से लोग बेच के मुजाफात की तरफ जाते हैं, लेकिन मुजाफात की तरफ जाने के बाद वहाँ सड़कों का और दूसरा पानी का इंतज़ाम, बिजली के इंतज़ाम सही नहीं होते। तो इस प्रस्ताव में रईस शेख साहब ने जो दिया था गवर्नमेंट कमेटी को और कमेटी ने जो दिया उसमें ये लिखा है कि जो लोग अपने बिजनेस को शिफ्ट करना चाहते हैं मुजाफात में, वहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और महाराष्ट्र हुकूमत पे ये ज़िम्मेदारी होगी कि वहाँ पे बुनियादी सहूलत फराहम की जाए। जैसे मालदे के लोग, दयाने के लोग, दरेगांव के लोग इस बात से परेशान हैं कि कारखाने में आमद और रफ्त के लिए सड़क नहीं है, पानी तो बहुत दूर की बात है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक को सख्ती से कमेटी ने कहा है कि बुनियादी सहूलत रास्ते, पानी, टॉयलेट, इसका इंतज़ाम जो है वो किया जाए। पावर लूम मज़दूरों की एक शिकायत थी कि ये असंगठित है, इनको दूसरी मज़दूरों की तरह
फैसिलिटी नहीं मिलती, जिसकी वजह से मज़दूर हुकूमत के जो स्कीमें हैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसमें एक अहम बात ऐसा है कि अगर जिस तरह कर्मचारियों का महामंडल होता है दूसरे कर्मचारियों का, उसी तरह जो पावर लूम से के मज़दूर हैं वो असंगठित कर्मचारियों को इस मंडल में शामिल किया जाए, ताकि लोन की फैसिलिटी, बीमे की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और इनके बच्चों की तालीम के लिए जो मंडल कर्ज देता है वो पावर लूम के असंगठित कामगारों को भी मिले। ये बहुत बड़ी बात है। जब हम लोग धूलिया गए थे तो वहाँ के लोगों मज़दूरों की भी ये मांग थी कि हमको दूसरे मज़दूरों की तरह फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एक अहम बात ये थी कि जो रजिस्ट्रेशन होता है सहूलत के लिए, चाहे वो बिजली की सहूलत के लिए हो या गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए हो, इसमें सहूलत में फॉर्म भरना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए इन्होंने ये कहा कि 27 एचपी से कम के पावर यूज़ करने वाले लोग हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन आसान करने की बजाय वो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि सारे रिकॉर्ड जो है वो पावर कंपनी के पास या मंडल के पास होते हैं उनके, और वो उनको ये मालूम होता है कि पावर लूम यूज़ कर रहे हैं। तो जो 27 एचपी से कम के लोग सब्सिडी लेना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ना हो, पावर कंपनी खुद उनके बिल और डिटेल जो है वो गवर्नमेंट को भेज दे, तो एक जो बड़ा टेंशन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। आप जो मंदी चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, उसकी एक बड़ी वजह से है कि चाइना से आने वाला कपड़ा वो इतना सस्ता होता है, वहाँ की अशिया इतनी सस्ती होती है कि उसकी वजह से हमारे यहाँ का हिंदुस्तान का कपड़े की लागत ज़्यादा होती है जो टिक नहीं पाता है। तो एक अहम बात इसमें की गई जो ओपन गेट पॉलिसी हुकूमत की है, जिसने जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आसानी से बैन अक्वामी सतह पर होता है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान के बुनकरों को और महाराष्ट्र के बुनकरों को जो कपड़ा बनाते हैं वो सस्ता, उनसे ज़्यादा सस्ता चाइना का कपड़ा होता है। तो ऐसी सस्ती अशिया जो हम इम्पोर्ट करते हैं, जो हमारे यहाँ की अशिया को मात दे देती है कीमत के मामले में, तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए, उसकी कीमत इतनी मुकर्रर की जाए कि हमारा कपड़ा भी और हमारा सामान भी बिकने में आसानी हो। ये बहुत अहम बात थी, क्योंकि चाइना से हम मुकाबला नहीं कर पाते उनकी क्वालिटी और उनकी लागत का। अगर ये पाबंदी हुकूमत लगा दे कि वहाँ का जो कपड़े आते हैं वो सस्ते, उनका एक मुकर्रर दाम कर दे, तो हमारे यहाँ के कपड़ों के लगभग उनके भी दाम हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ भी हमारी पैदावार को फरोख मिलेगा। एक बात और इसमें अहम थी कि जिस तरह हैंडलूम वालों को एक स्पेशल रियायत दी जाती है, वो कायदा बना हुआ है जिसमें उनके माल को हुकूमत जो है वो ख़रीद लेती है। हमने पावर लूम परिषद में एक बात कही थी कि जिस तरह सिंडिकेट बना के व्यापारी एक सिंडिकेट बना के व्हाट्सएप पे और दूसरी जगह एक ऐलान कर लेते हैं कि हमको यही कीमत में ख़रीदना है सूत कपड़ा, और सूत की कीमत में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता और हमारी लागत ज़्यादा होती है और ये ख़रीदते कम है और हमको बेचना ही पड़ता है, बुनकर को बेचना ही पड़ता है क्योंकि उनको हर हफ्ता पगार करनी होती। इस पे इन्होंने ख़ास बात ये लिखी है कि जिस तरह हैंडलूम वालों के अशिया गवर्नमेंट ख़रीदती है, उनको रियायत देती है, इसी तरह उसी कायदे में प्लेन पावर लूम को भी शामिल किया जाए, क्योंकि प्लेन पावर लूम भी साड़ी, धोती, साफ़ा, पेटा, ये ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हाथ मार्क के करीब है। इसलिए अगर हुकूमत इनसे माल ख़रीदने लगे तो आर्टिफिशियली जो सिंडिकेट बना के व्यापारी अपनी मस्ती करते हैं, एक दाम तय कर लेते हैं, उस पर रोक लगेगी। बोला ना और क्या है। मालेगांव शहर में जब रईस शेख साहब आए थे तो उन्होंने एक अहम मुद्दा हम अपनी पावर लूम परिषद से पहले ऐलान किया था कि आज मैं जो स्टडी ग्रुप की मीटिंग में शामिल होकर यहाँ आ रहा हूँ, एक ऐसा एमएलए जो न सिर्फ अपनी नुमाइंदगी का हक अपने इलाके के लिए अदा करता है बल्कि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के बुनकरों के लिए अपनी नुमाइंदगी का हक अदा किया। 3 जनवरी को वो मुंबई में स्टडी ग्रुप की मीटिंग में शामिल थे। बहुत कोशिश की गई
एक तरह से अफवाह उड़ाई गई मालेगांव शहर में, जो पावर दुश्मन, जो पावर लूम दुश्मन लोग थे, उन्होंने ये कोशिश की कि इस तरह का स्टडी ग्रुप का एक मेंबर जो है मालेगांव ना आ पाए। मैं मानती हूँ कि इस बात को मालेगांव शहर के बुनकरों ने ज़रूर समझा होगा कि जो तकलीफ सुनने स्टडी ग्रुप का मेंबर आ रहा है उसको रोका गया था, और कहीं ना कहीं मालेगांव शहर के बुनकर इस बात को याद रखेंगे कि वो उन्होंने इस तरह की नुमाइंदगी की रईस शेख साहब ने कि वहाँ मीटिंग में शामिल रहे। और मालेगांव आके उन्होंने एक बात बताई कि मैं हर बात तो स्टडी ग्रुप की बता नहीं सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन मैंने एक बात वहाँ पे रखी है कि पावर प्लेन पावर लूम से मुंसलिक जो लोग हैं, ख़ास तौर पे ज़्यादातर जो है माइनॉरिटी समुदाय के हैं, जिस पे मैंने तकरीर में कहा था उन्होंने माइनॉरिटी समुदाय कहा है, मैं साफ बोलती हूँ कि ज़्यादा लोग जो है मुसलमान हैं, चाहे वो मालेगांव के हो चाहे वो भिवंडी के हो। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो सूदी कारोबार होता है कर्ज लेने वाला, तो मालेगांव शहर के या भिवंडी शहर के मुसलमान जो है जो पावर लूम चलाते हैं वो गवर्नमेंट की लोन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि शरई तौर पे हमारे मज़हब में सूद लेना और देना दोनों हराम। इसलिए ऐसा प्रोग्राम गवर्नमेंट बनाए स्टेट गवर्नमेंट जिसमें लोन का वापस लौटाना ये सूद के साथ ना हो। इस पर बहुत मुझे लगता था कि सबसे अहम बात ये थी कि हमारी कमज़ोरी है कि हम लोन नहीं ले पाते, इसलिए हमारा जो है कैपिटल बढ़ नहीं पाता। इसमें इन्होंने एक बात जो कही मालेगांव को मेंशन करते हुए कमेटी ने कि मालेगांव जैसे अल्पसंख्यक सेंटर में लोग कर्ज नहीं ले पाते मुसलमान आबादी होने की वजह से, सूद की वजह से, इसलिए शरई कानून के मुताबिक NBF लागू करना ऐसा और बिना सूदी कर्ज दिया जाए पावर लूम, चाहे वो इमला बनाने के लिए हो, पावर लूम लेने के लिए हो, चाहे सूत लेने के लिए हो, ये एक अहम चीज़ है जिसको मैं समझ रही हूँ कि मालेगांव के लिए अगर मंजूर हो जाता है तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। एक चीज़ और इसमें ऐसी थी कि जिस तरह महामंडल होता है, महामंडल जो है वो तय करता है कि महाराष्ट्र भर के यूनिफॉर्म, चाहे स्कूली यूनिफॉर्म हो, चाहे बस में काम करने वालों के या हॉस्पिटल में अलग अलग अदारों में काम करने वालों को स्टेट गवर्नमेंट जो है सरकारी अदारों में काम करने वालों को यूनिफॉर्म देती है। रईस शेख साहब ने जो प्रस्ताव दिया और उसको माना कमेटी ने, तो उसमें ये कहा गया कि कापड़ महामंडल में जो प्लेन पावर लूम से तैयार होने वाला कपड़ा है उसको भी शामिल किया जाए ताकि जो गणवेश बनता है वो पावर लूम से निकले हुए माल का बने। तो एक बड़ी तादाद में जिस तरह साड़ियां खरीद के, रंगीन साड़ी खरीद के गवर्नमेंट फ़रोग देना चाहती है रंगीन कारोबार को, उसी तरह प्लेन पावर लूम से निकलने वाले कपड़े को भी फ़रोग मिले, उसकी खपत हो बड़ी तादाद में। एक चीज़ और इसमें समझ में आई कि हुकूमत एक ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसी पॉलिसी बनाए जिसके मुताबिक जो एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ का जो कपड़ा एक्सपोर्ट होता है, कैम्ब्रिज हो, कॉटन हो, उसमें लिखा है शॉल, टावेल है, टर्किश टावेल वगैरह जो शोलापुर में दूसरे इलाकों में बनता है, वो कपड़ा जाता है साउथ एशिया में। अभी जो यूक्रेन की जंग और दूसरी गाज़ा पट्टी में जो हालात है उसकी वजह से बड़ी तादाद में जो है ये एक्सपोर्ट होना बंद हो गया। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए कि साल भर यहाँ से निकलने वाले, लूम से निकलने वाले कपड़े को, माल को खपत मिले, ऐसी पॉलिसी बनाए। ये एक अहम बात थी इसमें जो समझ में आई। और बुरी बुरी बात कौन सी है, और जो नए लोग हैं जो बुनकर बनना चाहते हैं, नए नौजवान, उनके लिए जहाँ जहाँ पावर लूम है ऐसे सेक्टर्स में वर्कशॉप और टेक्निकल मालूमात देने के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करे गवर्नमेंट, ताकि जो यंग है, जो आज गवर्नमेंट बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्किल के हिसाब से काम होना चाहिए, तो लोगों में हर पढ़े लिखे आदमी को हुकूमत नौकरी नहीं दे सकती, तो वही चाहती है कि लोग अपने पैर पे खड़े हो जाएं। तो पावर लूम के ताल्लुक से वर्कशॉप बनाया जाए जिसमें नौजवान लोग उसको समझे, और हुकूमत वो वर्कशॉप में ट्रेनिंग लेने वालों को बिना सूदी लोन दे ताकि वो अपना कारोबार खड़ा कर पाए। ये एक
इसमें ख़ास बात है, बार बार जो गैर सूदी कारोबार की बात हो रही है, ये आना, ये समझ लीजिए, मैं मानती हूँ कि ये रईस शेख साहब का ही कमाल है कि इतनी कमेटी में वो वाहिद अल्पसंख्यक समाज के होने के बावजूद भी उन्होंने एक अहम नुक्ता रखा कि बिना सूदी कारोबार के करने के लिए कर्ज हुकूमत से मिले इसके लिए। और आगे ऐसा है कि जो पहले यार्न बैंक थी जिसमें गैर सूदी कारोबार होता था, वैसा ही दोबारा स्टेट हुकूमत में शामिल किया जाए, ऐसे स्कीम बनाई जाए, ऐसा इन्होंने प्रस्ताव दिया। और बहुत से प्रस्ताव है, इंशाल्लाह डिटेल में अगर आप पूछेंगे तो मैं बता पाऊँगी, और मुझे जो याद थे मैं बताऊँ।